हेलो एवरीवन, मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड के जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और अपने डे टू डे टीचिंग में काम आने वाली टॉपिक है, दैट इज क्लासरूम लेआउट्स। एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट यू गेट यू नो, एक मैंने एक PDF अटैच किया है जिसमें आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे डिजाइंस भी और नोट्स भी मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। And before starting, don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel and press the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. आपको फिर से याद दिलाती चलूँ कि मेरे पास मेरे चैनल पे जो है काफ़ी सारे प्लेलिस्ट हैं, जो यू नो टेट से रिलेटेड, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है जहाँ BEd के स्टूडेंट्स वगैरह को भी फ़ायदा होगा। एंड आई हैव इंग्लिश मेड ईजी, ये वाला प्लेलिस्ट है जो इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं उनके लिए वीडियोस मैंने बनाए हैं। सो प्लीज़ शेयर इट विद एवरीवन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। यू मस्ट हैव सीन, आप लोगों ने देखा होगा कि शायद यू नो कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन में या फिर जब कोच जो है अपने टीम को ट्रेन करने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं, देन दे हैव द एंटायर फील्ड इन देयर माइंड। वो उनके दिमाग में अपने फील्ड को देखते हैं एंड दे प्लान अकॉर्डिंगली। कुछ ऐसे चीज़ों को या फिर लेआउट को वो लोग प्लान करते हैं कि जब ऐसा फील्ड होगा तो कौन से प्लेयर को किधर ठहरना है, क्या है, ऑल दीज थिंग्स आर प्लान। सो एग्जैक्टली सेम थिंग यू नो वर्क्स आउट फॉर टीचर्स एज वेल। टीचर्स अक्सर जो है परेशान होते हैं, बच्चे कॉन्सेप्ट्स नहीं समझते, देन वी कम आउट विद न्यू मेथड्स, न्यू टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड यू नो टीचर को और इफेक्टिवली पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। वन थिंग जो है हम सभी को करना चाहिए, हमारे क्लासरूम लेआउट जो है बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे टाइम है, अगर आपने वेकेशन कंप्लीट किया हो एंड योर स्कूल इज गोइंग टू रीओपन, और यू नो दिस यू कैन प्लान फॉर द कमिंग एकेडमिक ईयर एज वेल। ओके, डोंट कीप सो हैवी फर्नीचर इन योर क्लासरूम सो दैट आपको जो है प्लेसेस को तब्दील करना, शिफ्ट करना खुद एक बहुत बड़ा सा बोझ लगे। ओके, टेक सम हैंडी फ्लेक्सिबल एंड यू नो पोर्टेबल फर्नीचर, स्टूडेंट्स जो है नीड बेस पे उसको पलटा के बैठ सके या पेयर्स बना सके, तो ऐसे आप फर्नीचर को ऑप्ट करिए। नाउ कमिंग टू द लेआउट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट एंड ये प्रूवन रिसर्च है कि क्लासरूम के लेआउट्स भी जो है एकेडमिक इफेक्टिवनेस को काउंट करते हैं। ठीक है, इट इज लाइक इट एड्स। और ये लेआउट डिजाइन करने से पहले आप ये ध्यान में रखना कि क्या आप सभी बच्चों को देख पाओगे, उस अरेंजमेंट के बाद क्या सभी बच्चे आपको देख पाएंगे, क्या आप बच्चों से जो है इंटरैक्ट कर सकेंगे, ऐसे कुछ सवाल आप अपने आप से करके उसके बाद से अपने लेआउट को प्लान करिए। सो देर आर मेनी टाइप्स। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वन यू कैन टेक इट एज द ट्रेडिशनल वन, जो अक्सर जो है आई थिंक 70% ऑफ देम फॉलो दिस ट्रेडिशनल वन विच इज नॉट इफेक्टिव। बिल्कुल उसकी इफेक्टिवनेस प्रूवन नहीं है, सिर्फ फ्रंट बेंचर्स जो है उससे फायदा उठाते हैं, लास्ट बेंचर्स तक तो आपकी जो है जो भी बात है वो नहीं पहुंचती एंड दैट्स हाउ दे आर नेग्लेक्टेड ऑल्सो। सो इट इज नॉट एडवाइजेबल। सेकेंड प्रोसीजर इज लाइक सेकेंड लेआउट इज हॉर्स शू। इफ यू हैव एवर सीन हॉर्स शू मैग्नेट, सी के शेप में जो है आप सारे बच्चों को बिठा देंगे। ठीक है, और आपके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस आ जाएगा, इन दैट स्पेस दे कैन डू सम एक्टिविटी। ओके, आप एक सर्कल टाइम के जैसा चेयर्स पुल आउट करके बच्चों को सर्कल में बिठा के इंटरैक्ट कर सकते बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ। अगर आप बोलेंगे नहीं आयशा मैम बहुत स्ट्रेंथ है, तो कुछ बच्चों को ऐसे सी शेप में और कुछ दो ग्रुप्स बना दो। ठीक है, इट इज ऑल लाइक यू आर द मास्टर प्लानर ऑफ योर क्लासरूम, ये एक अरेंजमेंट है। थर्ड अरेंजमेंट क्या है, डबल हॉर्स शू मीन्स बाहर का एक हॉर्स शू मॉडल, सी के जैसा एक ग्रुप, फिर थोड़े डिस्टेंस में छोटे सी के जैसा एक ग्रुप। ठीक है, एंड देन यू नो यू कैन मूव अराउंड, आप बीच में से भी मूव कर सकते हो एंड दे कैन ऑल्सो लुक एट द बोर्ड, ये एक अरेंजमेंट हुआ। अल्टीमेटली हर वो अरेंजमेंट के पीछे का मकसद ये है कि आप हर बच्चे तक पहुंच सके, आप हर बच्चे को रीच आउट करें और बच्चे भी जब ग्रुप्स बन जाएं पेयर अप हो सके और ताकि लर्निंग आसान हो। द अल्टीमेट इंटेंशन इज दैट ओनली। देन द नेक्स्ट अरेंजमेंट इज लाइक राउंड टेबल्स, आइदर यू मेक टू बिग
ग्रुप्स राउंड सर्कल्स में दो ग्रुप्स बना लो, या आपका ट्रेडिशनल जो चार ग्रुप्स आपके क्लास में है चार सर्कल्स बना लो, इट इज़ अप टू यू. सो राउंड टेबल इज वन ऑफ द लेआउट. यहाँ पे कोई कॉमन टॉपिक या क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस आप जब बच्चों को पोस्ट करो, एक टॉपिक पोस्ट करके बच्चों को क्वेश्चंस पे आप इंसिस्ट करते हो, देन एक्चुअली दिस वर्क्स आउट. सो दे विल कम अप विथ ऑल देयर आइडियाज एंड पुट देम ऑन द टेबल. तो राउंड टेबल एक अरेंजमेंट है. इससे हटके और एक क्या है, पेयरिंग. पेयरिंग लाइक दो बच्चे एक बेंच पे, दो बच्चे एक बेंच पे, सो इट इज लाइक सिंपल पेयरिंग. इसको आप पेयर पॉड भी बोलते हैं. ओके, पेयर कर लेते हैं. फिर उसके बाद अगर से दो बच्चे, आप लोग ये दो दो बच्चों के ग्रुप्स को ऐसा पलटाते हैं, बेंचेस को पलटा के बच्चे बैठेंगे, तो चार बच्चों का एक ग्रुप बनेगा. सो इट विल बी लाइक टेट्रा और क्वाड्रा, वॉट एवर यू कैन से, फोर चिल्ड्रन इन अ ग्रुप. सो दीज आर द मल्टीपल लेआउट्स विच यू कैन एक्चुअली टेक अप इन द क्लासरूम. और एक सवाल आता है अक्सर कि आयशा मैम बच्चे बोर्ड को नहीं देख सकते. सो द सोल्यूशन इज लाइक यू कैन गो विद द हॉर्स शू मॉडल. या फिर कुछ टीचर्स ये भी करते हैं कि वो लोग अपने बोर्ड के सामने के थोड़े से हिस्से को जो है कुछ मैट वगैरह स्प्रेड करके वहां पे जब तक 15 सी द मेन एक्सप्लेनेशन टेक्स प्लेस फॉर 12 to 15 मिनट्स, तो ये 15 मिनट्स टाइम जो है आप वो बच्चों को सामने बिल्कुल बोर्ड के बिठा के, कुछ बच्चे अपने अपने चेयर्स को पलटा के बैठ जाएंगे, कुछ नीचे बैठेंगे, देयर कंप्लीट फोकस इज ऑन द लेसन. एंड देन व्हेन यू कंप्लीट दैट एक्सप्लेनेशन, इट इज द टाइम फॉर एक्सटेंडेड एक्टिविटी. ओके, 5E में जो इलैबोरेट कहते हैं, तो इलैबोरेशन के वास्ते बच्चे फिर ट्रांजिशन को अपनाएंगे. फ्रॉम देयर दे गेट बैक टू देयर ग्रुप्स एंड स्टार्ट वर्किंग इन ग्रुप्स वेयर इन थिंक पेयर शेयर जो है उनका आसान हो जाएगा. एंड यू नो देयर आर डिफरेंट कॉर्नर्स इन द क्लासरूम, डिफरेंट कॉर्नर्स. ये सारी चीजें कब पॉसिबल है कि आपके खुद के पास एक आइडिया हो, फिर आपने उस आइडिया को आपके फ्रेंड्स में, आपके टीम में शेयर किया आपने, फिर आपने अपने मैनेजमेंट से, अपने प्रिंसिपल से शेयर की, रिक्वेस्ट किया कि ये चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, अगर ऐसी सहूलत हो जाए तो और 100% लर्निंग होगी. तो मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी मैनेजमेंट ऐसा बोलेगा कि नहीं 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 हम नहीं चेंज करेंगे, आपको ऐसे ही पढ़ाना है. आई डोंट थिंक, बिकॉज अल्टीमेटली when someone starts a school, it is their intention to see that 100% students should learn. Fine. So, ये एक arrangement हुआ जहाँ पे mat पे जो है बच्चे पढ़ रहे हैं foreign transition अपना के. इसके लिए student ratio भी देखना है, बेशक n number of sections increase अगर हो गए या फिर जैसे भी. अगर ये सारी चीजें impossible लग रही हो owing to the strength and the infrastructure of your classroom, then at least make an arrangement that there is an activity corner in your on your floor. ताकि अच्छा खासा बड़ा एक्टिविटी रूम, एक से बढ़ के दो रूम्स हो, जहाँ पे अगर टीचर चाह रहे तो एक ग्रुप को उधर बिठा सके, बाकी दो ग्रुप्स को क्लासरूम के अंदर ही अरेंजमेंट्स करके बिठा सके. व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे. ठीक है, तो ये चीज को हमको अपनाना है एंड हमारे अवेलेबल रिसोर्सेस को प्रॉपरली यूज करके हम देखना है कि बच्चों की लर्निंग हो सके. एंड जैसी हमारी लेआउट है वैसी हमारी थिंकिंग होगी. ट्रेडिशनल लेआउट होगा तो ट्रेडिशनल थिंकिंग होगी, टीचर समझेंगे कि बस अब क्लासरूम तो ऐसा है, मुझे ठहर के ही पढ़ाना है, बोर्ड पे ही पढ़ाना है, खत्म हो गई बात. अगर बच्चे ग्रुप्स में बैठेंगे, ग्रुप्स से बिठाएंगे, तो टीचर का भी माइंडसेट ये होगा कि हाँ पीयर लर्निंग हो सकती है, ग्रुप लर्निंग हो सकती है, पीयर ट्यूटरिंग भी हो सकता है एक्टिविटी. फिर मैं हर ग्रुप में थोड़ी देर बैठूंगी, देन माय रोल विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फैसिलिटेटर्स रोल. ठीक है, तो ये चीजों को आप लोग ध्यान में रखिए और अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट्स करिए. एंड द नेक्स्ट थिंग इज Whatever things are required for your classroom. उम्मीद है कि आप लोगों के पास एक एक कबर्ड होगा क्लासरूम में. अगर नहीं है तो आई रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू अरेंज फॉर अ कबर्ड इन. यस, यू हर्ड इट राइट, यू कैन ट्रांसफॉर्म योर क्लासरूम का जो लेआउट, जो लुक, जो स्ट्रक्चर है, उसको आप कंप्लीट एक लर्निंग का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, जहां बच्चे खुशी से आए और देखे कि ये सारी चीजें हैं. और स्टेशनरी भी है, स्टेशनरी असेंबल करके रखिए. कब तक हम बच्चों को जिम्मेदार होना चाहिए, अपनी चीजें खुद लानी चाहिए, लेकिन एज अ रिपोजिटरी आपके पास भी चीजें हो, ताकि बच्चों की कोई लर्निंग में गैप ना आए. ठीक है, दे शुड नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग. यू सी दैट मैक्सिमम पॉसिबल, थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है. यू सिट विथ योर टीम एंड यू डिसाइड ऑन दीज थिंग्स एंड मेक योर क्लास
अ वेरी एंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग प्लेस फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न, और उसके लेआउट्स भी आप लोग डिजाइन करेंगे, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने ये शेयरिंग किया एंड इफ योर क्लास इज ऑलरेडी लाइक दिस और यू हैव एनहेंस्ड द लेआउट ऑफ योर क्लासरूम एज डिस्कस्ड इन द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो विथ मी सो दैट आई विल शेयर इट विद द वर्ल्ड, ओके। तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप अपने डोर के जो है डेकोरेशंस, क्लास के डेकोरेशंस, साथ ही साथ डिफरेंट कॉर्नर्स एंड लेआउट को आप शेयर करोगे तो आई विल बी एक्चुअली पोस्टिंग इट देयर एंड लेट्स सी इफ इट्स द बेस्ट वन, देन डेफिनेटली यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर दैट। सो थैंक यू ऑल फॉर पेशेंट लिसनिंग, होपफुली यू विल गेट द थिंग्स स्टार्टेड and happy learning. Jazakallah. Signing off, Aisha Firdaus.